एयरफोर्स इनके मोबाइल अटेंड जो लगभग 55 वर्षों से भीलवाड़ा में तपस्यारत थे, निरंतर खड़े रहते थे और आए गए साधु संत अभ्यागत की सेवा करते थे। ऐसा तपस्वी महापुरुष का माँ प्रयाण को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी तपस्या उनके आशीर्वाद से सबको आनंद मंगल होगा, यही कामना। महाराज जी को फिर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूँ। वो संकेत में सारी चीज़ समझा देते थे और समझ जाते थे इतने सहजता सरलता से कि सारे लोग आराम से समझ जाते थे। सन चित्र में वो अचानक जो है यहाँ आए और एक रात रुकने के लिए पिपली पे झूला लगाया महाराज जी। उज्जैन जाना था उनको, लेकिन यहाँ एक रात रुकने पे फिर भक्तों ने या मजदूरों ने ऐसा मिल के मजदूर सब आग्रह किया महाराज रुक गए। तो महाराज जी 17 साल फिर कहीं नहीं गए, 17 साल एक ही जगह एक ही खड़े रह के और मौन व्रत धारण करके रहे, किसी से कुछ सहायता नहीं मांगी। फिर महाराज 17 साल बाद में मेरे को स्थान संभाल के चाबी दे के फिर वो हैदराबाद चले गए। उस टाइम में महाराज एक लंगोट एक चादर ले गए, थैला भी नहीं ले, कोई भी वस्तु नहीं ले गए, एक रुपया भी नहीं ले गए। उसके बाद में 3 महीना में महाराज वापिस आए, पैसे या जो स्थान का बना वो वृंदावन महाराज हम गए, वहाँ जमीन खरीदी 100x100 गज में। अभी महाराज जी का विशाल मंदिर वहाँ वृंदावन में है और एक अलग धर्मशाला और बनी हुई, वहाँ भी निःशुल्क सेवा है, भोजन व्यवस्था सारी चालू है और वहाँ 20 कमरे हैं, सारी व्यवस्था चालू है। 42 साल रहे जो वृंदावन यहाँ का मिला के सारा अवेरणी का मिला के 42 साल में आसन ग्रहण किया और वो भी 2000 में आसन में एक और महाराज भोजन कभी नहीं लेते, एक दिन छोड़ एक दिन फरार लेते थे, जो बरसों से 17 साल भीलवाड़ा में एक दिन छोड़ एक दिन के लेते ट्रस्ट बना रखा, तीनों स्थानों के ट्रस्ट बना रखा जिसमें भीलवाड़ा वृंदावन एक कर रखा और दाता बहरा एक कर रखा। तो इसका निर्णय होने पर मीटिंग होगी तब जो विकास का कार्य जो महाराज जी ने संकल्प ले रखा वो तो पूरा करना ही करना, उसमें तो कोई विघ्न है ही नहीं। आगे इससे भी और बढ़कर करेंगे तो सब देश भाई है वो सब मिलते हैं। तो आर नहीं लेना, वो अभी तपस्या जारी थी महाराज जी, अभी पिछली 23 तारीख को कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उनके बाद उनका इलाज बराबर चल रहा था, 7-8 दिन स्वास्थ्य में भर्ती रहे, उसके बाद वहाँ से छुट्टी हो गई, फिर आश्रम पे आए, यहाँ तक भी इलाज और आपका चल रहा था। महाराज जी कल तक स्वस्थ थे, उसके बाद यहाँ से हमने जाँच करानी थी जो अरियंत हॉस्पिटल जाना था और रास्ते में जो है वो एकदम लोग। महाराज जी से कैसा आपका लगाव था, आप कैसे? महाराज जी का हमारा गुरु शिष्य का लगाव था, महाराज जी हमारे बड़े आदरणीय और उनसे हमें बहुत शिक्षा मिली, सत्य के मार्ग पे धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया। महाराज जी ने काफ़ी यज्ञ करवाए भीलवाड़ा जिले में, आपने आसीन में करवाया, हरणी महादेव में कराया, भीलवाड़ा में मैं पांड्या जी बगीचे में करवाया। तो महाराज जी का यज्ञ और साधु संतों के प्रति सेवा भाव हमेशा तत्पर रहते थे महाराज जी।